देखिए, पहले क्वेश्चन में आप लोगों से स्पीड पूछा गया है। स्पीड को आप लोगों को किलोमीटर पर आवर में और मीटर पर सेकंड में निकालना है। किलोमीटर पर आवर मतलब डिस्टेंस होना चाहिए किलोमीटर में और टाइम होना चाहिए आवर में। मीटर पर सेकंड मतलब डिस्टेंस होना चाहिए मीटर में और टाइम होना चाहिए किस में, सेकेंड में। तो हमारे पास यहाँ पर टाइम दिया हुआ है मिनट में, कितना टाइम दिया है 20 मिनट। तो इसको पहले हम लोग आवर में कन्वर्ट करेंगे। क्यों आवर में कन्वर्ट करेंगे? क्योंकि हमको स्पीड किस में निकालना है, किलोमीटर पर आवर में। तो आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, आप लोग जानते ही हैं, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। तो 20 को 60 से डिवाइड करेंगे इक्वल टू 1/3 आवर्स। तो डिस्टेंस हमारा 15 किलोमीटर ऑलरेडी दिया हुआ है। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो स्पीड कितना है 15 किलो, स्पीड इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस की जगह पर क्या हो जाएगा 15 किलोमीटर, और टाइम पे जगह पे कितना हो जाएगा 1/3 आवर। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर। देखिए, अगर यहाँ पे आपको डिवाइड में प्रॉब्लम आ रहा है तो क्या होता है, 45 को (3/1 करते, क्योंकि कोई चीज़ डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाता है तो क्या हो जाता है, पलट जाता है। तो 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, स्पीड मीटर पर सेकंड में। तो डिस्टेंस हमारा किस में दिया हुआ है, 15 किलोमीटर, किलोमीटर में दिया, तो उसको हमको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो वो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। तो 15 किलोमीटर इक्वल टू 15000 मीटर। वैसे ही टाइम किस में है, 20 मिनट में। तो उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में। तो 1 आवर 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड। तो 20 मिनट इक्वल टू 20 इंटू 60 सेकंड इक्वल टू 1200 सेकंड। तो फिर स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस हमारा क्या है, 15000 मिनट। तो 15000 मिनट ऊपर लिख दिए। टाइम कितना है हमारा, 1200 सेकंड। तो 1200 सेकंड नीचे रख दिए। इसको काटना है यानी डिवाइड करना है। डिवाइड करने पर आएगा 12.5 मीटर पर सेकंड। थैंक यू, होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नाउ मूव टू सेकंड क्वेश्चन।